तो दोस्तों आज की यह वीडियो ब्रह्मचर्य प्रेमियों के लिए बहुत ही स्पेशल है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके शरीर में क्या शक्ति आती है और मैं आपको ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जिससे आपको ब्रह्मचर्य की ताकत के बारे में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम आयुर्वेद के एक सिद्धांत के बारे में जानेंगे जो है कि एक स्वस्थ शरीर की पहचान कैसे करें। आपने बहुत सारे ऐसे लक्षण सुने होंगे यानी कि एक स्वस्थ शरीर के लिए व्यक्ति के शरीर में ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसी में से एक लक्षण है सहने का, यानी कि अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप सर से लेके एड़ी तक पूरे स्वस्थ हैं, तो आपके शरीर में सहने की शक्ति मिलेगी, यानी कि वह हर चीज को सहन कर सकता है, जैसे कि वह ठंड में ठंडियों को और गर्मी में गर्मियों को। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाला हूँ जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बात है स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़ी और ये तब की बात है जब स्वामी प्रचार प्रसार के लिए बाहर आया जाया करते थे। अब यह जो कहानी है वह स्वामी जी की मृत्यु से पहले की कहानी है और आपको पता है कि स्वामी जी जो काम करते थे उसके कारण उनके कई ऐसे दुश्मन बन गए थे और उन्हीं दुश्मनों ने उनको मारने के कई ऐसे प्रयास किए जिसमें से उनको पत्थर मारना, नदी में डुबोना, कई बार तो उनको जहर भी पिलाया गया। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती उनको भी सह लेते थे। जब उनकी मृत्यु के अंतिम क्षण में जब उनको जहर दिया गया था तब उनके शरीर के हर एक अंग से फफोले फूट रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु को भी एक फंक्शन की तरह, एक प्रोग्राम की तरह प्रोग्राम किया। उनके शरीर के हर एक अंग से जहर फूट रहा था और इनके शरीर की स्थिति इस प्रकार हो गई थी कि दूसरे उनके शरीर को देख भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर जरा सा भी भय नहीं था। उस टाइम पर गुरुदत्त जी बहुत छोटे थे तो उनकी आंखों से स्वामी जी को देखकर झरझर पानी गिर रहा था। स्वामी जी के फफोलों से जो पीप गिर रही थी, हर व्यक्ति वहां पर ऐसा था कि वह स्वामी जी की इस स्थिति को देख नहीं पा रहे थे। लेकिन इसके बाद भी स्वामी जी बैठे, उस टाइम पर उस तरह चलता था तो उन्होंने कहा कि मेरे बाल साफ कर दें, मेरी दाढ़ी साफ कर दें। तो उन दाढ़ियों के साथ, उन बालों के साथ जो शरीर में फफोले फूट रहे थे वह भी कट रहे थे, वह भी साफ हो रहे थे। और आप कल्पना करें कि यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितनी दर्दनाक स्थिति होती है। लेकिन इसके बाद भी स्वामी दयानंद सरस्वती के चेहरे पर जरा सी भी सिकंद नहीं थी और सारे के सारे व्यक्ति जो वहां पर खड़े थे वह स्तंभ रह गए थे। फिर इसके बाद उन्होंने ईश्वर का ध्यान किया और अपने शरीर को त्याग दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ब्रह्मचर्य पालन करने के प्रति और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी। शायद आप में ब्रह्मचर्य पालन करने के प्रति उत्साह जागृत हुआ होगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।